पूर्व मंत्री व सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा, प्रदेश में यदि खनन माफियाओं पर नियंत्रण करना है तो प्रदेश के खनिज मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। उन्होंने लिखा, आपको सोरसन व गोडावन संरक्षण पर मैं अनेक पत्र लिख चुका हूँ। अवैध खनन को रोकने का एकमात्र अगर भरतपुर के साधु वाला मार्ग ही है तो मुझे इस कारगर मार्ग पर चलकर आप तक बात पहुंचानी पड़े तो कृपया इंतज़ार करें। भरत सिंह ने लिखा, आपका ध्यान भरतपुर के पर्वतों में खनन के खिलाफ 551 दिन से धरना दे रहे साधु व एक साधु द्वारा खुद को आग लगाने पर दिलवाना चाहता हूँ। अवैध खनन का सीधा संबंध गुंडागर्दी से है, यह शासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सकता। साधु की आत्महत्या के प्रयास के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला कलेक्टर व जिला प्रशासन को खनन माफियाओं को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के खनिज मंत्री आपके साथ थे। भरत सिंह ने लिखा कि प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया तो प्रदेश का खनिज मंत्री है, इसके द्वारा अवैध खनन का अपने गृह जिले में रिकॉर्ड कायम किया गया है। 12 जिले में छांट छांट कर भ्रष्ट अधिकारियों को कलेक्टर, मंडल वन अधिकारी व अन्य उच्च पदों पर मंत्री जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जंगल, जमीन, नदी, नालों पर अवैध खनन करवाकर भ्रष्टाचार मचा रखा है। 12 जिले में अवैध खनन करने के कारण कई लोग मर रहे हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।